हेलो फ्रेंड्स, ये अगला वीडियो आप लोगों की रेलवे परीक्षा 2018 के लिए है। ये एक ब्रांड एम्बेसडर है। वैसे तो रेलवे की परीक्षा होने वाली है, जिसकी वजह से ये ब्रांड एम्बेसडर के लिए कलेक्शंस है। और वैसे ये ज़रूरी नहीं कि रेलवे एग्ज़ाम में ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछा जाए। आने वाली परीक्षा, चाहे वीडियो को UPSC लिए, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की परीक्षा हो, किसी भी एग्ज़ाम में एक से दो क्वेश्चन में से पूछा जा ही सकता है। लेकिन रेलवे की परीक्षा को देखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है ब्रांड एम्बेसडर का है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया के जितने ब्रांड एम्बेसडर, सारी लिस्ट है विथ फ़ोटो के साथ। और आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है इसके, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसमें काफ़ी हाईलाइटेड नोट्स भी हैं जो कि आपको बहुत ही इंटरटेन करेंगे और बहुत ही मज़े से पढ़िएगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा एकदम बढ़िया सा समझ में आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से हम बताएंगे कि अगर आपने हमारे चैनल UPSSC को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी ज़रूर चैनल के बारे में बताएं और शेयर करें दोस्तों को भी, और कमेंट और लाइक ज़रूर करें। एक लाइक तो ज़रूर बनता है आप लोगों के लिए। जब हम लोग इतना आप लोगों के लिए कर सकते हैं, तो आपका एक मोटिवेशन के लिए तो एक लाइक तो बनता ही दोस्तों। तो शेयर सब्सक्राइब करना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेलवे परीक्षा को देखते हैं। रेलवे परीक्षा 2018 ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। और अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद ये रेड कलर का बटन, सब्सक्रिप्शन के बाद आपको बेल आइकन दिखाई देगा, ये ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, तो बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने का मतलब ये है कि आपको कोई भी हम वीडियो डालेंगे तो आपकी उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट तुरंत प्राप्त होगी। इस वजह से बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम से भी जुड़ के PDF नोट्स भी वहाँ से ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए देखिए, पहले देखिएगा, ये नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो दिख रही है, अतुल्य भारत अभियान। तो अतुल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अतुल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी हैं, और ये इनकी फ़ोटो दिख रही है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, नरेंद्र मोदी प्रेजेंट टाइम में हैं। अगला देखिएगा, स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये फ़ोटो आपको दिख रही है, बिंदेसरी पाठक हैं ये, जो कि स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला देखिएगा, सिक्किम जो है राज्य है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो AR रहमान है, आपको फ़ोटो दिख रही होगी। AR रहमान जो हैं, ये बॉलीवुड स्टार कह सकते हैं, ये म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, बहुत ही अच्छा म्यूज़िक कंपोज करते हैं। AR रहमान जो है सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला देखिएगा कि भारतीय वन जीव ट्रस्ट की ब्रांड एम्बेसडर दिया मिर्जा हैं, ये भी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। दिया मिर्जा, ये भारतीय वन जीव ट्रस्ट की ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्वच्छ साथी कार्यक्रम, और दिया मिर्जा जो हैं स्वच्छ साथी कार्यक्रम की भी ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, ये आप फोटो देख लेंगे, प्रियंका चोपड़ा हैं, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, लेकिन इनको हॉलीवुड में भी काम मिला हुआ है, हॉलीवुड में भी कई फिल्में दी हैं इन्होंने, बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। तो स्किल इंडिया के लिए इनको, प्रियंका चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर के लिए चुना गया है। यूनिसेफ के लिए भी इन्हीं को चुना गया है, प्रियंका चोपड़ा भी यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं, ये भी यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप लोग बहुत अच्छे से देखिए, इसलिए फ़ोटो भी आप लोगों के सामने हाईलाइटेड है, ताकि आप फेस से भी पहचान सकें। दरवाज़ा बंद अभियान जो ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। अब हम आपको दरवाज़ा बंद अभियान के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। दरअसल हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2 अक्टूबर को जो स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया था, तो उसके तहत क्या था, गाँव में जो है स्वच्छता लाने के लिए लैट्रिन बनवाना था, ताकि लोग खुले में शौच ना करके एक लैट्रिन में जाएं। लेकिन क्या हो रहा है, ये देखने को मिला है कि लोग लैट्रिन बनने के बावजूद भी खुले में शौच करने के लिए जाते हैं। तो उस अभियान को पूरा करने के लिए दरवाज़ा बंद अभियान लाया गया था, ताकि लोगों में जागरूकता लाई जाए और वो खुले में शौच में जाने की बजाय वो अपने जो लैट्रिन जो प्रोवाइड की गई हैं उसी में ही जाएँ। इसलिए इस योजना को एक नया नाम दिया गया था, दरवाज़ा बंद अभियान। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी को चुना गया था। हेपेटाइटिस बी जो है एक जो है वायरल डिजीज़ है, जो कि लीवर को डैमेज करती है। हेपेटाइटिस बी लीवर को इन्फेक्ट करती है, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ये भी अमिताभ बच्चन जी ही हैं। GST की बात करें तो GST जो है एक टैक्स जो है हमारे भारत सरकार ने लॉन्च किया था। GST जो इसका फुल फॉर्म है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और GST के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि GST जो है अप्रत्यक्ष कर है, और इसमें जो है 5 प्रकार की दर फिक्स की गई थी। तो वो 5 प्रकार की दर कौन सी है वो हम आपको बताते हैं। 0 है, 5 है, 12 है, 28, ठीक है। तो इस टाइप की दर थी,
और इसके भी अमिताभ बच्चन जीएसटी के बने हुए हैं, और जीएसटी हमारे भारत में जो लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 से लागू हुई है। डीडी किसान चैनल के भी जो एम्बेसडर हैं वो अमिताभ जी हैं, ठीक है। अमिताभ जी जो है हमारे सुपर स्टार हैं इस समय। अभी केबीसी भी इन्हीं का इस समय चल रहा है। मुथूत ग्रुप से एक फाइनेंस कंपनी है जो लोन गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है, तो इसके भी ब्रांड अमिताभ बच्चन ही ब्रांड एम्बेसडर हैं। और वन प्लस के भी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी ही हैं। अगला देखिएगा गुजरात। गुजरात के जो मोटिवेशन के लिए जो भी गुजरात में जो भी एडवर्टाइजमेंट या किसी टाइप का गुजरात के बारे में जो है पर्यटक को बारे में बताना था, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी को ही चुना गया था। निर्मल भारत, ये आप एक्ट्रेस देख रहे होंगे बॉलीवुड, ये विद्या बालन जी हैं, इनको निर्मल भारत का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। पैप्सिको जो ब्रांड एम्बेसडर हैं पीवी सिंधु हैं, ठीक है। ये पीवी सिंधु हैं जो भारत की खिलाड़ी हैं, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में जान सकते हैं। पेप्सिको मतलब पीने वाली, और पी से पेप्सिको, पी से पीवी मतलब पेप्सी पी ली, तो ये शॉर्ट फॉर्म के हिसाब से भी याद कर सकते हैं। पेप्सिको को मतलब पेप्सिको किसने पी ली, मतलब पीवी ने, सिंधु ने, तो इसके शॉर्ट फॉर्म में पीवी सिंधु हैं। अब जब पंजाब नेशनल बैंक जो है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है, माँ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर जो है माधुरी दीक्षित हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग को बता दें ये फ़ोटो जो है गलत लग गया यहाँ पे, तो ये गलत फ़ोटो है। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो माधुरी दीक्षित जी हैं। ये जो माधुरी दीक्षित की फ़ोटो दिख रही है, इंटेक्स कंपनी है, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर जो है माधुरी दीक्षित जी को ही बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर जो माधुरी दीक्षित हैं। अब हम थोड़ा सा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बताना चाहेंगे, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये जो हुआ था लॉन्च, ये हरियाणा राज्य से लॉन्च हुआ था, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित हैं, ताकि लिंग अनुपात में के बारे में लोगों को क्या होता था कि लड़कियों का जन्म लेने पर उनको बुरा लगता था कि लड़कियां अच्छी नहीं हैं लड़के के लिए, तो इसलिए बेटी को भी जन्म दिया जाए, उसको भी एक लड़के की बात पढ़ाया लिखाया जाए, इस वजह से इस अभियान को लॉन्च किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये 22 जनवरी 2015 को ये लॉन्च हुआ था ये परियोजना। चलिए आगे आते हैं। अमेरिकन टूरिस्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर जो है विराट कोहली जी को ही बनाया गया। आप लोग ये एक नोटबुक बना लें और उसमें जो ब्रांड एम्बेसडर अच्छे से नोट कर लें, आप वीडियो को पॉज करके आप पूरा देख लें, आप नोट कर लें, ताकि कोई भी एग्ज़ाम में एक से दो क्वेश्चंस कहीं से भी उठा के रख दें, हर टॉपिक पे आप लोगों की फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है और सभी बच्चा मेहनत करना चाहता है, इस वजह से टॉप लेवल पर अगर चलना है तो हर टॉपिक को आपको अपने चारों ओर से गेन करना होगा। तो आपका जो बुक से अच्छा माध्यम है यूट्यूब चैनल है, जो हर टॉपिक से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते रहेंगे। हम लोग आप लोगों की बहुत मेहनत करते हैं, तो आपका भी एक फ़र्ज बनता है कि एक लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ऊबर इंडिया, ऊबर जो है ये अमेरिका की कंपनी है आपको बता दें, और ऊबर जो है ये टैक्सी सेवा प्रोवाइड कराती है, तो इसके भी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को ही दिया गया है। ऊबर इंडिया के विराट कोहली हैं, और रेडमी टू इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को ही बनाया गया है। फिलिप्स इंडिया के भी विराट कोहली जी को, और वीवो जो फ़ोन जो है ये चाइना की कंपनी है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बनाया गया है। आमिर खान आप टीवी में देखे होंगे वीवो फ़ोन का काफ़ी प्रचार करते थे। सीनियर नेशनल टेनिस प्रतियोगिता के जो ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया, ये हमारे क्रिकेटर कप्तान थे, रह चुके हैं पूर्व। टाइटन सोनाटा जो कि टाइटन एक घड़ी बनाती है कंपनी टाइटन सोनाटा की, तो उसके भी महेंद्र सिंह धोनी जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है। इंडिगो पेंट्स जो है टीवी पैड आता होगा, उसके भी महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी किस चीज़ के, तीन चीज़ के हैं, इंडिगो पेंट्स के, टाइटन सोनाटा के, और सीनियर नेशनल टेनिस प्रतियोगिता, इन तीन के जो ब्रांड एम्बेसडर यही हैं। फिर ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन, ये आप देख रहे हैं परिणीति चोपड़ा हैं, ठीक है, ये कज़न सिस्टर हैं आप प्रियंका चोपड़ा की, तो इनको जो है ऑस्ट्रेलिया पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रीनो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर, ऐसे भी समझ सकते हैं, री से रीनो आर से रणबीर, तो रणबीर कपूर। ट्रॉपिकाना जो एक जूस कंपनी है जो जूस बनाती है, उसके जो है कैटरीना कैफ जो है ब्रांड एम्बेसडर। आप लोग ने इससे पहले देखा होगा कि जूस का एक ऐड आता होता था मैंगो का, उसमें कैटरीना कैफ के लिप्स पे एक ड्रॉप गिरती थी, टीवी पे देखा होगा, तो जूस का प्रचार ही करती थी, तो कैटरीना कैफ जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर। एयरलाइन विस्तारा जो है जो कि विमान सेवा का यूज़ में आता है, तो इसके दीपिका पादुकोण को एयरलाइंस विस्तारा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये आज का हमारा वीडियो है,
आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को फिनिश करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दें दोस्तों, बहुत मेहनत से कलेक्शन आप लोगों के लिए लाते हैं, तो आप लोगों का भी एक फ़र्ज बनता है कि एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।